यीशु पकड़वाई गाना। हर साल यहूदी मेनु फसा नैयर अक त्योहार मनाई थिए। ऐस त्योहारा ऐस खुशी मज मनाई थिए कि केही सदी पेले परमेश्वर यहूदिया केरे पूर्वज मिस्र देशरी गुलामी के ना छड़ावरे थे। लगभग 3 साल बाद यीशु खुलेआम प्रचार काना शुरू किया। यीशु अपना चेला स्यू बोलो कि सै तेना स्यू यरूशलेम मज फसहरे त्योहार मनाना चाह था जां एबे किसे तड़े मारियूना। ईशुरा चेला मज अक यहूदा नैयरा मिणु थिया। यहूदा खास चेला केरे पैसा केरे थैली रखनार थिया, पण हर बार से क्या तेस थैली मजा पैसे काढ ली थिया। ईशु जां तेसरे चेले यरूशलेम शहरा मज पुजना के ना बाद यहूदा यहूदी अगवा के ने गया तेनी पैसा पने ईशुरा तेनेरे हाथा पकड़वाने रा सौदा किया। तेस पता थिया कि यहूदी अगुवे न मनी थिये कि यीशु है मसीहा। तेस एभी पता थिया कि से की एस मारे छाड़ना चाहते थिये। महायाजकेरे बोलना पने यहूदी अगुवे यहूदने 30 चांदी रे सिक्के दीते कि ताऊ यीशु असड़े हाथा पकड़वाना ए बिल्कुल तीहे भू जे भविष्य वक्त बोलो रुथ्यू। यहूदा मने गया जां पैसे लेकर चले गया। से क्या यीशु पकड़वाने रे तेनी तेनहरे मजद काने रे तेनी कोठकियां मौकर तलाश काना लगा। यरूशलेम शहरा मज यीशु अपने चेला स्यों फसाहरा त्योहार मना। फसाहरी धामेरे दौरान यीशु रोटी लेकर भाने तेनी बोलो एस लिया जां खा ए क्या मिंडा शरीरा जैं तुआड़े तेन देता। एस मिंडी याद मज करे इनी हिसाब यीशु बोलो मुँह तुआड़े तेनी मरे गाणु मतलब तेनेरे तेनी तेस अपने शरीर रा बलिदान चढ़ाए देना। फिर यीशु अक दाखरसरा प्याला लिया जा बोलो एस पे लिया एना में बायदेरा मिंडा खून आ जै के मुँह डोलना ताकि परमेश्वर तुआड़े पाप माफ करिया। हर बार एस पे ते टैमा मिंड याद मज एह करे जैऊ इम्ही काता आ। ता यीशु अपने चेला स्यू बोलो तुआ मजा एक ही जने आऊँ पकड़वाना। चेले शुष्त भोगे जा पुछना लगे इतिया कम किणु करेला। यीशु बोलो मुँह पकड़वाना र मेणु से क्या भोना जिसने मुँह एक्या रोटी रा टुकड़ा देना जा तेनी से क्या रोटी रा टुकड़ा यहूदन दीता। तेस रोटी लेना के ना बाद यहूदा मज शैतान चले गया। यहूदा तेखणीए ने कोय करे यीशु पकड़वाना ने यहूदी अगवा करे मजद कान रे तेनी चले गया। एक्या रातेरा टाइम थिया। रोटी खाना के ना बाद यीशु जा तेसरे चले जैतून पहाड़ा पन गए। यीशु बोलो तुआ सबनिया आज राते मिंडा साउग छड़ देना ए लिखो रुआ कि मुँह पाल माना जा सारी ब्रैडे तितर भितर भोगाणी। पत्रस जवाब दीता बेशक बाकी तो छाड़े दिया पण मुँह तिंडा साथ न छाड़ना। ता यीशु पत्रस स्यू बोलो शैतान तुआ सबनिया लै लेना चाह था पण हे पत्रस मी तिंडे तेनी प्रार्थना के कि तू विश्वासा मज पीछे न हटे गया। फिर बे अज की रात कुखड़े लियो देना के ना पीले तो त्रा बारे न मकाना कि तू मुँह न जानता। पत्रस है फिर यीशु से बोलो चाहे आऊँ मारे बे गहूँ ता बे मुँह कदी तिंडा नामा नकाना कि आऊँ ताऊ न जानता। बाकी चेले बे ऐहें ऐ बोलो ता यीशु अपना चेला सही ते गत समनी नैयरी एक ही जगह ने गया। यीशु अपने चेला स्यू प्रार्थना कानेर तेनी बोलो ताकि शैतान तेनेरी परीक्षा न करिया। ता यीशु एपू प्रार्थना कान ने चले गया। यीशु त्रा बारे प्रार्थना के हे मिंडे पिता अगर भो सकिया तो छंदे एक्या दुखेरा प्याला पेणे रे तेनी मोनी में दे पण अगर मिणुआ करे पाप माफ काने रे तेनी अगर होरा कोई चारा ना ता तेंडिये मर्जी पूरी भुया। यीशु बड़ा भारी दुखी थिया जा तेसरा पसीना खूनेरिया बूंदा साए थिया। तेसने सामर्थ देने रे तेनी परमेश्वर अक स्वर्गदूत भेजा।
हर बारी प्रार्थना काना किना बाद यीशु अपना चेला के वापसिया पणसे के झोले थे गेवरे। जेखनी यीशु त्री बारे वापसिया ता यीशु बोलो ब्यो जी गाहा मुँह पकड़वाने वाला इठे आ। यहूदी अगुवे सही तै जा सैनिका सही तै जा एक ही बड़ी भेड़े सही तै यहूदा ए छी पिया तेने तलवारे जा छोटे लेवरे थे। यहूदे यीशु के ने छी करे तेसने बोलो हे गुरु नमस्कार जा तेसने फूकू देता। तेनी यहूदी अगुआ ने बोलोरु थियो कि जैसने मुँह फूकू देना तेस तुए पकड़े लए। ता यीशु बोलो हे यहूदा क्या तो मुँह फूकू दे करे पकड़वाना चाह था। जिखनी से के सैनिक यीशु पकड़ते थिए ता पतरा से अपने तलवार पकड़े जा महायाज करे एक ही सेब का पने बाय देते जा तेसर आख कन्ने बाड़े दीता। यीशु बोलो तलवार दूर कर आऊँ अपने बचावे तेनी परमेश्वरा के ना एक ही स्वर्गदूता करी सैनायरे बिनती करे सकता पण मुँह अपने पिताए रे गल मनने आ। ता यीशु तेस मेणूरा कन ठीक कर दीता ता फिर से सारे चेले नशी गए। मती अध्याय 26:14-56 मरकुस 14:10-50 लूका 22:53 यूहन्ना 12:6-18 11 के ना अक बाइबलेर कहानी।